Hello student, we are discussing about the chapter redox reaction and the next part is the electrode potential and its significance. But standard electrode potential and its significance. हमने electrode potential के बारे में इसके पहले के वीडियो में देखा है कि जो half cell होता है वहां जो potential develop होता है उसे electrode potential कहते हैं, उस half cell का, उस half electrode का. अब जब दो electrode combine करके कुछ स्टैंडर्ड कंडीशन हम उसे अप्लाई करते हैं तो फिर वो स्टैंडर्ड कंडीशन अप्लाई करने के बाद जो पोटेंशियल टोटल डेवलप होगा वो मीटर में दिखता है, वो उसे हम क्या कहेंगे, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल. यानी सिर्फ स्टैंडर्ड कंडीशन ऐड करना है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में. सो इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑब्टेंड व्हेन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ स्पीसीज इज यूनिटी. द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ स्पीसीज इज यूनिटी मीन्स वन मोलर. यूनिटी का मीनिंग क्या होता है, अगर कॉन्सेंट्रेशन लिक्विड है तो वन मोलर एक्सेट्रा. एट 298 केल्विन, ये जो 298 केल्विन लिखता है हमें मालूम है 273 यानी कितना, 0 डिग्री सेल्सियस. 298 केल्विन अगर होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, स्टैंडर्ड टेम्परेचर. तो ये अगर दो कंडीशन होती है और पोटेंशियल डेवलप होता है तो वो है इलेक्ट्रोड, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल. नाउ स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड. अब डिफरेंट टाइप ऑफ यहाँ पे कपल दिए हुए हैं, ये जो इलेक्ट्रोड रिएक्शन है और E0 वैल्यू यहाँ पे नोट की हुई है. तो डिफरेंट कपल्स यहाँ पे और उसकी वैल्यूज दी हुई है. तो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड उसमें से देखिए बीच में है जिसकी वैल्यू कितनी है, 0 वोल्ट. तो ये क्या है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल 0 वोल्ट दिखाता है एंड यूज एज रेफरेंस इलेक्ट्रोड टू फाइंड E0 वैल्यू ऑफ रेडॉक्स कपल. ऐसे डिफरेंट रेडॉक्स कपल की E0 वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए ये जो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है उसका उपयोग किया जाता है. तो ये स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड आपको 12 में है, रेफरेंस इलेक्ट्रोड या जितना भी मैंने लिखा है वो पूरा 12 में काम का है. तो रेफरेंस इलेक्ट्रोड किसे कहते हैं, ऐसा इलेक्ट्रोड की जिसका पोटेंशियल हमें पता है. जैसे स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल हमें पता है क्या है, 0. एक्चुअली वो 0 नहीं, थोड़ा लेस अमाउंट ऑफ ऑक्सीडेशन होता है पर वो आर्बिट्रेरीली फिक्स्ड है 0. तो उसका उपयोग करके उसके साथ दूसरा इलेक्ट्रोड कनेक्ट करके उसका पोटेंशियल फाइंड आउट करते हैं. तो इस तरह ये यूज किया जाता है, उसे रेफरेंस इलेक्ट्रोड कहते हैं. ये स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, स्टैंडर्ड कंडीशन में काम करते हैं. अगले साल हम देखेंगे 12 के वीडियो में, आप देख सकते हैं जो कि मैंने ऑलरेडी बना के रखे हुए हैं तो आप वो भी रेफर कर सकते हो. तो ये रेफरेंस इलेक्ट्रोड हो गया और ये जो डिफरेंट कॉपर कपल है इसका पोटेंशियल फाइंड आउट करने में उसका उपयोग होता है. देन सिग्निफिकेंस ऑफ E0 वैल्यू, द इलेक्ट्रोड रिएक्शन कंसिडर्ड फॉर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज रिडक्शन रिएक्शन. ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है. क्या पॉइंट है, यहाँ पे जो भी वैल्यूज हमने फाइंड आउट की है E0 वैल्यू, चाहे वो प्लस में हो या 0 में हो या माइनस में हो, ये जो रिएक्शन हमने चूज की है वो कौन सी रिएक्शन है, रिडक्शन रिएक्शन. और आपने इसके पहले पढ़ा है व्हाट इज रिडक्शन रिएक्शन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन. सब एरो के पहले इलेक्ट्रॉन है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन किसी में भी नहीं. इसका मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता ही नहीं है क्या, ऐसा नहीं है. ऑक्सीडेशन प्रोसेस होती है नेचर में पर उस ऑक्सीडेशन प्रोसेस को उल्टा करके दिखा है. जैसे यहाँ पे जिंक मेटल है, जिंक क्या करता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करता है, तो उस रिएक्शन को उल्टा करके दिख दिया और जो फिर प्लस वैल्यू उसको माइनस लिखा. यानी ये जो सीरीज है यहाँ तो हमने स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ डिफरेंट इलेक्ट्रोड्स ऐसे लिखा है, यही सीरीज 12 में जाके EMF सीरीज इसे हम कहते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स सीरीज. और उसकी एप्लीकेशन हम लिखते हैं जिसमें ये मैंने 3 एप्लीकेशन यहाँ पे लिख के दी है. ये तो एप्लीकेशन रहेंगे, इसके सिवा और कुछ एडिशनल एप्लीकेशन. यानी 11 क्या है, बेस है. तो इसके लिए आप ये अच्छे से समझ लो और उसको अच्छे से पूरा याद कर लो, रट्टा मार लो, समझ लो और फिर याद कर लो, क्योंकि ये 12 में काम में आने वाला है और आप इसमें से इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर ये पार्ट कनेक्टेड पार्ट देख सकते हो. अब इसके सिग्निफिकेंस देखेंगे, हमें इससे क्या क्या फायदा होता है, क्या क्या समझ में आता है इसके से ये देखेंगे. अ निगेटिव E0 वैल्यू मीन्स रेडॉक्स कपल इज स्ट्रॉन्गर रेड्यूसिंग एजेंट. अगर वैल्यू निगेटिव है, ये है एप्लीकेशन, अभी ऐसा निगेटिव वैल्यू होती है तो वो क्या दिखा, क्या दर्शाता है, स्ट्रॉन्गर रेड्यूसिंग एजेंट. यानी ये सब क्या है, रेड्यूसिंग एजेंट है. यानी ये क्या हो गए, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. इसका एक पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है हमने.
तो ये रिड्यूसिंग एजेंट देन दी स्टैंड हाइड्रोजन आयन हाइड्रोजन कपल मींस हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। इससे अब ये रिएक्शन इसलिए इसको कपल कहते हैं, ये जो है ना ये दो स्पीसीज यहाँ पे दिखाई इन डिफरेंट स्टेट तो उसे कपल कहते हैं। तो वो अगर निगेटिव आती है यानी ऐसे तो क्या है इससे वो स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट है यानी हाइड्रोजन से स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट है। यानी आपको सिंपल ध्यान में रखना है सिंपल ये क्या है सब ऊपर के नॉन मेटल है दीज आर दी नॉन मेटल। आप ये लिख के रखो ये अगले साल 12 में काम आने वाला है यही सेम सीरीज है सेम और जो मैं कुछ बता रही हूँ सेम है सिर्फ अप्लीकेशन बढ़ रही थोड़ी। और ये जो है ये क्या है सब रिड्यूसिंग एजेंट है और ये मेटल है। अब आपको ये पता है कि मेटल में क्या होता है अच्छा ऑक्सीडेशन होता है ऑक्सीडेशन प्रोसेस होती है अच्छी और नॉन मेटल में क्या होता है रिडक्शन प्रोसेस होती है यानी गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन करते हैं लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करते हैं। पर अपने हमें यहाँ क्या लिखना है हमें यहाँ जो वैल्यूज है वो सब E0 रिडक्शन के फॉर्म में लिखना है और नेचर में फिर जो ऑक्सीडेशन होता है उसको उल्टा करके लिखा तो वो रिडक्शन हो जाता है फिर उसकी वैल्यू है उसकी साइन भी चेंज करनी पड़ती है इसको निगेटिव लिखा हमने। तो निगेटिव से क्या पता चलता है डेफिनेटली ये मेटल है जो जो वैल्यू निगेटिव की दिख रही है वो क्या है मेटल है जिनकी पॉजिटिव दिख रही वो है नॉन मेटल। अब हमें ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट के बारे में पता है ऑक्सीडेशन में क्या होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन तो रिड्यूसिंग एजेंट में क्या होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है ना एक कॉमन चीज दो नाम ये स्पीसीज वो प्रोसेस है और ये स्पीसीज है। तो यहाँ पे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इजीली होता है पर उसको हमने उल्टा लिखा है इसलिए उसको सही माइनस। अगर आपको ये समझ में आया तो अगले साल 12 में जो EMF सीरीज और उसकी एप्लीकेशन वो आपको समझ लिया और उसके बेस्ट प्रॉब्लम्स पे न्यूमेरिकल्स वो भी हम देखेंगे। ये सब तो स्पॉन्टेनिटी का है और वो एप्लीकेशन अगले साल आने वाली है। तो ये सब ऊपर के क्या है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यानी सबसे टॉप मोस्ट जो है क्या है ये स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और ये वैल्यू दूसरा एप्लीकेशन देखते हैं। हाँ लार्जर माइनस E0 वैल्यू मीन्स रेडॉक्स कपल स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट जिसकी वैल्यू लार्ज है आपको एंट्रेंस एग्जाम में आता है ये एक्स वाई जेड कॉपर ये कपल दिए हुए रहते हैं कभी ए बी ऐसे फॉर्म में भी दिए हुए रहते हैं और ये वैल्यू जिसकी ज्यादा है अब पॉजिटिव सबसे ज्यादा किसकी है फ्लूरिन की है वो सबसे अच्छा नॉन मेटल है तो स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इसमें सबसे ज्यादा एक्सेप्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन अच्छा होता है तो वो स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। और ये क्या है रिड्यूसिंग एजेंट है सर इनका भी कंपैरिजन आपको पूछते हैं कि कौन अच्छा और रिड्यूसिंग एजेंट है कौन अच्छा ऑक्सीडाइजिंग आप क्या देखोगे ये वाला एप्लीकेशन देखोगे यही एंट्रेंस एग्जाम में आता है कि जिसकी माइनस E0 जो वैल्यू है लार्ज माइनस E0 वैल्यू मीन्स रेडॉक्स कपल स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट जिसकी ये जो है ना रिड्यूसिंग एजेंट दिया हुआ है स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग तो ये क्या है स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट ये क्या है स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइज इसके बारे में याद लिखा है मोर पॉजिटिव E0 वैल्यू मीन स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अगर किसी दो का कंपैरिजन आता है तो हम देखेंगे जिसकी ज्यादा वैल्यू है वो स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और जिस इधर क्या होगा माइनस E0 वैल्यू जिसकी ज्यादा है वो स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट। इस तरह ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की जो प्रॉपर्टी है धीरे धीरे डिक्रीज होती जा रही है और रिड्यूसिंग एजेंट की इंक्रीज होती जा रही है ये भी अब हमें देखना है। तो ये टेबल यहाँ पे मैंने एक रिप्रेजेंटेटिव टेबल दिया है सबकी सब वैल्यूज बुक में जो दिए वो नहीं दिए सब जिसे कपल कहेंगे रेडॉक्स कपल वो नहीं दिए सिर्फ आपको समझने के लिए स्टूडेंट को समझने के लिए एक स्टैंडर्ड लिया हुआ है जिसकी जीरो वैल्यू है उसके ऊपर के तीन एग्जांपल और नीचे के एट रैंडम मैंने चूज किए हैं। ये तो सबसे ऊपर है ये बराबर है ये सबसे नीचे ये भी बराबर है और ये नीचे के दो एग्जाम्पल एट रैंडम लिए हुए हैं। तो आप ये छोटा सा एग्जाम्पल भी अपने दिमाग में फिट करते हो अगर पिक्चोरियल फॉर्म में तो कोई भी अपने को आपको कोई भी एप्लीकेशन बेस्ट क्वेश्चन आता है एंट्रेंस एग्जाम में तो आप चूज कर सकते हो करेक्ट ऑप्शन। तो इस तरह हमने ये जो देखा है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और EMF वैल्यू उसकी E0 वैल्यू ऑफ द रेडॉक्स कपल उसके ऊपर बेस्ट कुछ न्यूमेरिकल्स है जो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक।